में हम लोग अदर कैंडिडेट्स का वेट कर रहे थे, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अंकित वाजपेयी है और मैं लास्ट 1.5 ईयर से टेक सभी इंजीनियर्स के साथ एज ए एप्लीकेशन इंजीनियर काम कर रहा हूँ। सो अभी अपनी ट्रेनिंग और अपने अदर विजिट्स के एक्सपीरियंस से जो हम थोड़ा सा डाटा कलेक्शन प्रोसेस करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसेस हमने ये फील किया है कि एक टूल हमारा सॉलिड वर्क जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पे अभी यूज नहीं होता है। हो सकता है आप यूजर्स उसे बड़े लेवल पे यूज करते हो, पर हमारे हिसाब से बहुत सारे उसमें से ऐसे फंक्शन है जो बिल्कुल भी यूज नहीं होते। तो जैसे लाइक इवेल्युएट कमांड मैनेजर में काफी टूल्स हैं जो हम यूज नहीं करते। तो हमने ये एक टिप्स एंड ट्रिक्स का सेशन, ये अपने क्लाइंट्स स्पेसिफिक सेशन और क्लाइंट्स के लिए, सभी क्लाइंट्स के लिए स्टार्ट किया हुआ है कि हम एक अवेयरनेस मतलब जो है डालें कि क्लाइंट्स टूल्स को मैक्सिमम यूज करें। जब आप यूज करेंगे तभी उसकी ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट जनरेट होगी, और रिक्वायरमेंट जनरेट होगी तो हमें उस पर वर्कआउट करने का चांस मिलेगा और हम ज्यादा से ज्यादा आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। तो अभी एक टूल आज हम आप देख रहे हो, हम एक टूल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, लाइक डिजाइन स्टडी नाम से टूल होता है ये। सो आज का एजेंडा हमारा डिजाइन स्टडी के बारे में जानने का है। ये आइकन आपको अक्सर अपने इवेलुएट कमांड्स में मिलता होगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइन स्टडी के बारे में भी जानेंगे। पैरामीटर्स क्या क्या यूज करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को कैसे यूज करते हैं, क्या कॉन्स्टेंट्स डाल सकते हैं, गोल्स क्या होते हैं, और उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग हमें क्या मतलब रिजल्ट हम व्यू करते हैं उसमें कैसे उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, इनके बारे में हम अभी देखेंगे। तो डिजाइन स्टडी बेसिकली अ टूल व्हिच हेल्प्स अस टू ऑप्टिमाइज आवर डिजाइन विदाउट रिक्रिएटिंग आवर मॉडल सेपरेटली विद डिफरेंट मॉडल्स और कॉन्फ़िगरेशंस। लाइक अभी जैसे जो हमारे क्लाइंट्स, जो डिजाइनर्स, यूजर्स जो हमारे न्यू प्रोडक्ट डिजाइन में है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, जो मतलब पहले से आए हुए प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम न्यू प्रोडक्ट पे अगर बात करते हैं तो उनके साथ कुछ चैलेंजेस होते हैं। जैसे अभी जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, एक तो हम जनरली जो सबसे अच्छा वर्ड सुनते हैं सिमुलेशन, तो सिमुलेशन इज सम काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग जिससे हम मतलब स्ट्रेस एनालिसिस, वो कितना लोड बियर करेगा, क्या करेगा, उससे थोड़ा सा अलग हटके अगर हम उसका डायमेंशनल पैरामीटर सेट करना चाहते हैं, हमने कोई एक पैरामीटर सेट करना चाहते हैं कि वॉल्यूम हम इससे ज्यादा नहीं रखना चाहते अपने डिजाइन का, लाइक कि वो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में ही सेट हो जाए। कहीं मान लिया हम कोई असेंबली क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हमारे पास एक कंपोनेंट लगाने के लिए कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम है, कोई बहुत मतलब एक बहुत ही कैलकुलेटेड स्पेस है, तो उस हिसाब से हम अपने मॉडल को कैसे ऑप्टिमाइज करें अगर हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, तब दैट इज अ चैलेंजिंग प्रोसेस। तो आज हम उस पर बात करेंगे थोड़ा सा, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, टाइम सेविंग होता है इसलिए क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट साइज में बनाएं, फिर हम उसका वेट कैलकुलेट करें, वॉल्यूम जो है डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स में हम या तो कॉन्फिगरेशन के थ्रू नए कॉन्फिगरेशन क्रिएट करके चेक करें या फिर नए मॉडल बना के क्रिएट करें, इसके बजाय डिजाइन स्टडी में हम एक मॉडल क्रिएट करके उसके डिफरेंट सिनेरियोज को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए टाइम सेविंग होता है। सेम जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो रिक्रिएशन ऑफ मॉडल्स और डिफरेंट कॉन्फिगरेशंस का जो रिक्रिएशन है वो मतलब मिनिमम रिक्रिएशन हमें टारगेट हमारा होता है इसमें। अब हम वापस आते हैं अपने सॉलिड वर्क को ऑन करते हैं पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे। मॉडल की बात करते हैं, जैसे अभी हम एक मॉडल की बात करते हैं, सिंपल एक मॉडल मैंने लिया हुआ है, या हम क्रिएट भी कर सकते हैं। लाइक हम न्यू मॉडल पे ही बात करते हैं अभी, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन जनरेट हो कि अभी बना बनाया मॉडल है तो हम एक नए मॉडल की बात करते हैं। नए मॉडल पे हम आते हैं, ये मैंने कुछ डायमेंशंस साइन कर लिए अपने मॉडल को। देख रहे होगे आप इसको मैं यूज कर रहा हूँ, मैं इंस्टेंट 3D ऑन करके इसे यूज कर रहा हूँ। एक राउंड ऑफ वैल्यू ले लेते हैं इसके लिए हम। ओके, दिस इज अवर मॉडल।
अभी क्या है, इसमें तीन बेसिक डायमेंशंस हैं, इसकी लेंथ, ब्रेथ और इसका हाइट। सॉरी, तो अभी हम वॉल्यूम को अगर टारगेट करते हैं, सपोज इसका वॉल्यूम हमारे लिए एक टारगेट क्राइटेरिया है, तो हम अभी डिजाइन स्टडी पे आते हैं। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, लाइक वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, गोल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी वापस पीपीटी पे आते हैं। सबसे पहला हमारे लिए जो मतलब असाइन करने के लिए जो हमें वैल्यू है वो है पैरामीटर्स की। पैरामीटर्स आर जनरली टेकन इन फॉर्म ऑफ डायमेंशंस, मटेरियल्स एटसेट्रा। लाइक अभी हम देखते हैं इसमें कि जैसे ही हम पैरामीटर्स असाइन करने की कंडीशन में आते हैं, सारी डायमेंशंस हमारे सामने हाईलाइट हो गई हैं। ओके, हमने सबसे पहले लेंथ से स्टार्टिंग करते हैं। टाइप द नेम, द नेक्स्ट इज ब्रेथ, अप्लाई। कुछ कमेंट भी आप इसमें लिख सकते हो, जैसा भी आप देख सकते हो। इसमें कमेंट आप लिखने के लिए मतलब आपके पास एक्सेस है, आप कमेंट डाल सकते हो। ये हमारे पास हमारे वेरिएबल्स हैं। हम एक वेरिएबल के बेस पे भी एनालिसिस कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल के बेस पे साइमल्टेनियस एनालिसिस कर सकते हैं, लाइक परमुटेशन कॉम्बिनेशन के तरीके से। इसमें हमारे नंबर ऑफ सिनेरियोस चेंज होते जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं, एक से स्टार्टिंग करते हैं, और कॉन्स्टेंट्स हम डिफाइन कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ सेंसर। लाइक वॉल्यूम का हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम वॉल्यूम पे बात करेंगे, तो हम वॉल्यूम पे आते हैं। कॉन्स्टेंट्स के बारे में जानते हैं, कॉन्स्टेंट्स आर डिफाइंड एज द रेंज अंडर विच अवर डिजाइन कैन वेरी। अगर हम एक रेंज मतलब एक रेंज हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इसके लिए, तो हमने वॉल्यूम के लिए जो अलर्ट लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है। सपोज हमारा जो अलर्ट मिलेगा वो मिलता है 1000 पे। देन यहाँ पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस की मतलब कैसे हमें रेंज रखनी है। मिनिमम, सपोज हम मिनिमम की बात करें अगर, तो हम मिनिमम 600 टू 1000 मैक्सिमम कंडीशन हमने डिफाइन कर दी। अब हम बात करते हैं गोल्स की। जो हमारा एक्यूरेट गोल है वो है सपोज हमारा वॉल्यूम 800। इसे हम रेंज में ना रख के एग्जैक्ट वैल्यू पर रखेंगे। हाँ, लेंथ की बात करते हैं। ये इसने बाय डिफॉल्ट जो हमने स्टेप लिया हुआ है उस हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम नियरेस्ट वैल्यू असाइन कर ली। हम स्टेप के बेस पे भी रेंज डिफाइन कर सकते हैं, हम डिस्क्रीट वैल्यूज के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं, हम सिंपल रेंज डिफाइन कर सकते हैं जिसमें कोई भी डिस्क्रीट वैल्यू मीन्स हम एक एक्यूरेट वैल्यू पर भी टारगेट डिफाइन कर सकते हैं। स्टेप इन द सेंस, सपोज हमने मिनिमम लेंथ के लिए जो मिनिमम वेरिएशन लिया वो हमने अगर 50 लिया, कि हमारा मॉडल जो है वो उसकी लेंथ 150 तो हमने दी हुई है। मिनिमम सिनेरियो हम देखना चाहते हैं 50 पे भी, कि हमारा 50 पे क्या सिनेरियो रहेगा, और मैक्सिमम हम इसको नहीं दे सकते 200 से ऊपर। क्या 50 ज्यादा कम लग रहा है, हम इसे मतलब 100 कर लेते हैं, ताकि कुछ आपको भी जो क्वेश्चन जनरेट हो वो थोड़ा। स्टेप जितने स्टेप ज्यादा होंगे उतने ही सिनेरियोज ज्यादा बनेंगे। लाइक हम 10 स्टेप की बात करें, अभी 10 स्टेप की बात, सिनेरियोज, नंबर ऑफ सिनेरियोज आप यहाँ देख पा रहे होंगे 11 दिख रहा है टॉप राइट में, मतलब टॉप राइट इन द सेंस डिजाइन स्टडी कॉलम में। नीचे देखिएगा आप मेरी स्क्रीन पे, यहाँ जहां मेरा माउस हॉवर कर रहा है यहाँ आपको सिनेरियोज दिख रहे होंगे 11। जैसे ही हम स्टेप बढ़ा देंगे, सपोज 50 वाइज स्टेप कर देते हैं, सिनेरियोज नंबर 3। अभी हम बात करते हैं 20, सिनेरियोज 6। तो ये हमारे सिनेरियोज हैं, ये हमारे सारे के सारे पैरामीटर्स हैं जो हमने यहाँ गोल भी डिफाइन किया हुआ है। गोल क्या था, अगर एक्चुअल टारगेट वैल्यू इन फॉर्म्स ऑफ डायमेंशन, वॉल्यूम, मास, सिमुलेशन रिजल्ट्स एटसेट्रा। ओके, हम बात करते हैं स्टडी की, स्टडी रन करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन फेल। इट मींस कोई भी वैल्यू हमारी ऑप्टिमम रिजल्ट में नहीं आई। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लेंथ कंडीशन में हमारा वॉल्यूम कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है,
जैसे जैसे आप वेरी करोगे, स्लाइडर आपका रेंज वेरी कराने के लिए होता है। आप विदाउट कॉन्स्टेंट के भी लगा सकते हो। आप जैसे आपने क्या किया, अगर कॉन्स्टेंट हटा के केवल और केवल गोल के लिए स्टडी करना चाहते हो तो आपके सिनेरियोज डिफरेंट आएंगे। ओके, यहाँ सिनेरियो में हमें 100 पे 500 ऑप्टिमम डायमेंशन मिली है, सॉरी ऑप्टिमम वॉल्यूम रिजल्ट मिला है। हम हाइट के साथ, सॉरी हाइट नहीं, लेट मी अगेन चेक, लाइक अभी दूसरा पैरामीटर हमारा विथ, विथ की बात करते हैं। विथ, हम 100 की विथ को हमने जो वेरी करवाया हुआ है 50 का स्टेप लेने के बजाय, हम स्टेप साइज कर देते हैं यहाँ पे भी 20, सेम स्टेप साइज, और मिनिमम वैल्यू 50 रखते हैं, मैक्सिमम रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। ओके, अब देखोगे अभी सिनेरियोज बढ़ गए, सिनेरियोज बढ़ने के साथ साथ कैलकुलेशन टाइम भी बढ़ गया। डिजाइन स्टडी की सेटिंग में जाके आप ये कैलकुलेशन टाइम कम कर सकते हो, लेकिन तब रिजल्ट क्वालिटी आपकी अफेक्ट होगी। आप सेटिंग में जाओगे, आप डिसाइड कर सकते हो कि हाई क्वालिटी रिजल्ट चाहिए या आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। इसके रिजल्ट्स अगर अगर आप सेव करोगे, अगर, तो वो कहाँ जाएंगे, सॉलिड वर्क डॉक्यूमेंट फोल्डर सी ड्राइव में या डिफॉल्ट विंडो जहाँ भी इंस्टॉल हुआ सॉलिड वर्क, या फिर आप यूजर डिफाइंड लोकेशन पे इसको डालना चाहते हो, आप असाइन कर सकते हो। ओके, अभी हम देखना चाहते हैं कि अभी हमारा जो रिजल्ट आया है वो हम व्यू करना चाहते हैं, तो अभी हम बात करते हैं कितने तरीके से हम रिजल्ट ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम डिजाइन वेरिएबल्स जो हमने दिए हुए हैं, इनपुट्स अपने उनके बेस पे कर सकते हैं या ऑब्जेक्टिव के बेस पे कर सकते हैं। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये हमारा ग्राफ है। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट, ये बहुत ज्यादा सिनेरियोज हैं, बहुत अभी हमारे लिए काफी देखना जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, तो हम यहाँ पे रेंज, सॉरी स्टेप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। स्टेप साइज हमने 50 किया और अगेन नीचे भी हमने स्टेप साइज 50 कर लिया। हम रीरन किया स्टडी को, नंबर ऑफ सिनेरियोज 9 हो गए, तो हमारा ग्राफ थोड़ा एक हमें क्लियर दिखेगा। ऑब्जेक्टिव बेस, दोनों ग्राफ अलग अलग प्लॉट हो गए। अब जैसे ये जो हमारा ग्राफ है, जो हमारी स्टडी है, हम इसे डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने प्रेजेंटेशंस में हम इसे यूज कर सकते हैं। अभी फाइल पे जाएंगे, सेव एज, सेव एज, इसे हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, जो आपकी एक्सेल का एक फॉर्मेट होता है डॉट सीएसवी फाइल फॉर्मेट, आप उसमें भी इसे डाल सकते हो और एक्सेल पे ग्राफ निकाल सकते हो, या फिर आप इसे बीएमपी फाइल, ये जो इमेज फॉर्मेट्स होते हैं हमारे, आप जेपीजी, जेपेक या फिर पीएनजी फाइल में भी सेव कर सकते हो। सो आप इसे बाद में अपनी पीपीटीज में यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट हम डिफरेंट एक स्टडी रन करके देखते हैं। ये तो हमने वॉल्यूम वाइज की थी। हम अगर मटेरियल प्रोवाइड कर दें, सपोज हमने प्लेन कार्बन स्टील दिया, नाउ इट हैज सम मास, अभी कुछ मास होगा इसका, एक पैरामीटर पे हम स्टडी रन करते हैं बिकॉज इट विल टेक टाइम। हम सिनेरियोज बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे साथ, या सेम रहने देते हैं हमारा, या फिर बढ़ा देते हैं, एक सेकेंड, इसे हम कर देते हैं 30, 5 सिनेरियोज। ओके, ग्राफ हमें ज्यादा शॉर्टन या इन लेंथन नहीं करना होगा। हम गोल की बात करते हैं, अभी सेंसर ऐड करते हैं, मास बेस्ड सेंसर ऐड करेंगे इस बार हम। अभी अभी करंट मास जो है इसका, वो हम वैल्यू अचीव करना चाहते हैं 10,000। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हम यही रन कर सकते हैं, हमें बार बार मॉडल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। वॉल्यूम को हम सप्रेस ना करें, यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, हम डिलीट करते हैं तो वो चीज़ हटती नहीं है, हम यहाँ से उसे ऐड कर सकते हैं। अभी हम मास बेस की बात करें, एग्जैक्टली 10,000 हमारा टारगेट है। ओके, स्टडी भी रन करेंगे हम, ये हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं। और इनके ग्राफ्स को हम यहाँ से फिर से वापस जाके प्लॉट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव बेस पे। अभी हमने एक ही पैरामीटर लिया है, तो डिजाइन वेरिएबल में आपको लेंथ, आप देख पा रहे हो, आपको लेंथ दिख रही है डिजाइन वेरिएबल में, बिकॉज हमने भी एक केवल पैरामीटर लिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे हाइट भी सेलेक्ट कर लेंगे या फिर हम विथ भी सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमें उतने ही पैरामीटर डिजाइन वेरिएबल्स में ज्यादा दिखेंगे। अभी हमारा ये ग्राफ,
देख रहे हो आप, ये डिफरेंट डिफरेंट जो आपके ये सिनेरियोज हैं, बेसिकली नथिंग अदर इट इज द ग्राफ प्लॉट फॉर योर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज। आप रिजल्ट व्यू करोगे, यहाँ पे आपको सिनेरियो 1, 2, 3, 4, 5 जो दिख रहा है, सेम वैल्यूज आपको यहाँ पे ग्राफ में भी दिखेंगी। सॉरी, ओके, आप देखोगे तो ग्राफ में भी दिखेंगी। यहाँ ये स्टडी आप सेव भी कर सकते हो सेम मॉडल के लिए, सेम मॉडल में ये सेव रहेगी आपकी। जब भी आप स्विच करोगे बिटवीन मॉडल एंड स्टडी, अभी हम मॉडल पे वापस जाते हैं, हम अपनी मॉडलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और डिजाइन स्टडी अभी मैं अगर मतलब विदाउट सेव किए हुए अगर इसको क्लोज कर दूंगा तो ये सेव नहीं। रुको रुको, एक सेकेंड, मैं सबको मैसेज डाल दूँ। अगर किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है तो आप चैट में मेंशन कर सकते हो। अभी मैं फिर से आता हूँ, वापस अपने प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। तो अभी हम बात कर रहे थे गोल्स के बाद जो पोस्ट प्रोसेसिंग है, पोस्ट प्रोसेसिंग बेसिकली नथिंग, दिस इज द व्यूइंग अवर रिजल्ट एंड एनालिसिस, रिजल्ट्स को व्यू करना, हमें उसका यूज करना, दिस इज अवर पोस्ट प्रोसेसिंग। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स जो आपने प्लॉट किए थे वो सारे के सारे आपके साथ पास यहाँ पर सेव रहेंगे, अगर आप स्टडी को सेव कर लोगे। अभी आ गया फिर से। ओके, अभी हमारा आज का जो टारगेट था बेसिकली इस डिजाइन स्टडी, अभी हमारा जो आज का टारगेट था इस वेबिनार का, वो था आपको डिजाइन स्टडी टूल के बारे में अवेयर करने का टारगेट था हमारा। तो अब ये हम अपने टारगेट में कितना सक्सेस हुए हैं ये हमारे लिए तब हमें पता चलेगा जब आपकी तरफ से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अभी इसमें आप डिजाइन स्टडी इतना छोटा टूल नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम अपनी आपकी रिक्वायरमेंट बेस पे हम फिर से वेबिनार करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमें बताना पड़ेगा ये आपके लिए कितना यूजफुल है। आप इसमें मॉडल डायमेंशन, ग्लोबल वेरिएबल, सिमुलेशन रिजल्ट, मटेरियल बेस सब पे कर सकते हो। आप एक बार इसको हैंड्स ऑन करो, हैंड भी हो जाओ इसके साथ, आप ट्राई करो कि डायमेंशन बेस पे आपको ये कितना बेनिफिट दे रहा है, कितना आपके लिए यूजफुल है। हम आपको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक एडवांस वेबिनार करेंगे, तो हम आपको उसमें सारे पैरामीटर्स के साथ कैसे वी कैन प्ले विद ऑल पैरामीटर्स एंड ऑल ऑप्शंस ऑफ डिजाइन स्टडी। सो इफ इट विल बेनिफिशियल फॉर यू देन प्लीज जनरेट रिक्वेस्ट फॉर नेक्स्ट वेबिनार। सो हम इसे आपको कंप्लीट एक अच्छा सा वेबिनार जो है इसके अलावा आप करेंगे। आज हमारी अवेयरनेस के लिए जो वेबिनार था ये आप इस पे, इसके बाद आप इसे ट्राई करो। आप जितना ज्यादा इस पे वर्कआउट करोगे उतनी ज्यादा क्वेरीज जनरेट होंगी, देन हम उस पे उतना ज्यादा आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करते जाएंगे, इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। डिजाइन स्टडी इज अ गुड टूल फॉर सेविंग अवर टाइम, हमारा मॉडल रिक्रिएशन जो होता है केस, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के केस में काफी यूजफुल है। आप जितना यूज करोगे आप उतनी ज्यादा क्वेरीज जनरेट होंगी। और रिक्वायरमेंट, हम कस्टमर रिक्वायरमेंट पे एक और वेबिनार अरेंज करेंगे जो कि मतलब कंप्लीट
एक प्रोडक्ट बना के हम उसमें दिखाएंगे आपको। अभी हम इस वेबिनार को यहीं क्लोज करते हैं। आप कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरी मेल आईडी आपको दिखेगी उसमें चैट में। और उसके अलावा आप हम